इंस्टाग्राम पे कुछ लोग ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे थे, एक ही आया है, ट्राई अगेन लेटर वी रिस्ट्रिक्ट सर्टेन एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट अवर कम्युनिटी। उन्हें जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओके और रिपोर्ट आ प्रॉब्लम। जब मैं साइड में जा रहा हूँ तो उनको एक और स्क्रीनशॉट आया, वो भी सेम स्क्रीनशॉट है, और मैं एक और दिखाऊँ ना तो भाई ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये कुछ लोग को आ रहा होगा, कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा। अब इसमें ना क्या है, इसमें भाई सेम चीज़ आ रही है, ट्राई अगेन लेटर, पर इसमें बता रहे कि आपको जो अकाउंट है ना उसे टेम्प्ररीली ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पे बता रहे कि भाई क्यों, क्योंकि आप कोई लाइक्स फॉलोअर्स की गाइडलाइन को ब्रेक कर रहे हो, मतलब क्या कोई बॉट एक्टिविटी कर रहे हो। और ये बता रहे कि जो ब्लॉक है ना इस डेट को एक्सपायर होगा, और आपको बता रहे कि अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती करी है तो हमें बताओ। तो आप टेरेस पर क्लिक करके आप बता सकते हो कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, वो मैंने लिख के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई ये मैंने कोई स्क्रीनशॉट बताया, सब लोग को अलग अलग टाइप का आ रहा होगा। अब देखो अगर आपको इस टाइप का आ रहा है जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, तो इसमें डेट ऑलरेडी दी हुई है कि आपके अकाउंट को टेम्प्ररी ब्लॉक किया गया है। टेम्प्ररी ब्लॉक मतलब कोई और दिक्कत नहीं है, डेट आपको दी गई है, इस डेट पे आपको जो अकाउंट है पहले जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब पर ये जो दो दिक्कत है, इसमें ना डेट है ना कुछ है, कोई बता रहा भाई मेरे को इतने इतने टाइम से दिक्कत आ रही है, कोई बता रहा और ज़्यादा टाइम से दिक्कत आ रही है। तो भाई ये जो भी दिक्कतें हैं ना, इसका क्या रीज़न है, सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने ना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो पहले मैं ये बता दूँ ये प्रॉब्लम क्यों आती। देखो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप ना क्या करते हो, या तो आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, भले आप खुद के मेन अकाउंट से करो या किसी दूसरे अकाउंट से करो। तो भाई मैं को एक चीज़ बता दूँ कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में होता क्या है, अगर आप खुद का मेन अकाउंट दोगे तो आपकी फॉलोइंग भी बढ़ती जाएंगी और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते जाएंगे, घटेंगे फिर बढ़ेंगे फिर बढ़ेंगे फिर घटेंगे, यही सब आपके साथ होता रहेगा। तो भाई ये जो दिक्कत होती है ना, इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि आप एक बॉट हो, चलो फॉलोअर्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर आपके फॉलोइंग भी इंक्रीज़ होती रहती है और फिर कम होती है फिर ज़्यादा होती है। तो इंस्टाग्राम को लगता है एक बॉट एक्टिविटी है, और एक बॉट एक्टिविटी कब होती है, जब आप अपने अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर देते हो, या आपका भाई कुछ ऐसा आप यूज़ करते हो इंस्टाग्राम को कि आप किसी के अकाउंट में जाके धन्ना धन्ना लाइक करते जाते हो उसके अकाउंट पर, तो वो भी एक बॉट एक्टिविटी है। और या तो आप भाई पहले बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लोगे, फिर एकदम से एक दिन फ्री बैठोगे और सबको अनफॉलो करते जाओगे, तो ये भी एक बॉट एक्टिविटी में आ जाता है। तो ये अगर आप 5-10 करो तो ये एक नॉर्मल होता है, पर अगर आप एक ही दिन में भाई किसी को 50, 100, 150 ऐसे लोग को फॉलो या अनफॉलो एकदम से कर देते हो लगातार बिना ब्रेक लिए, तो इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि आप एक बॉट एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर आप किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो अपने लाइक्स फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। और ये चीज़ भाई कमेंट में भी सेम ही भाई ऐसा होता है। तो ये जब ऐसा करते हो तो इंस्टाग्राम को जब लगता है कि हाँ भाई आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको ना भाई वो टेम्प्ररी बैन दे देता है। आप भाई कुछ बैन में आपको बता दें कि डेट लिखी हुई आ जाती है, इस डेट में एक्सपायर होगा, पर कोई कोई में डेट नहीं आ रही है, तो उसमें भाई क्या होगा, पहली बात तो क्या करना, आपको थोड़ा सा वेट करना, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये करना बिल्कुल बंद करो। वैसे आपके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर आप जब किसी की फोटो वीडियो को लाइक करते हो या किसी को फॉलो कर रहे हो, या फिर किसी कोई आपको फॉलो कर रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम लिखी हुई आ रही होगी। तो पहली बात तो क्या करना भाई, पूरे अकाउंट को थोड़ा ढील छोड़ दो, मतलब कि अब आप अकाउंट को ना भाई फ्री छोड़ दो, अब आपको ना भाई किसी को भी फॉलो अनफॉलो या फिर लाइक कमेंट कुछ नहीं करना, थोड़ा भाई अकाउंट को फ्री छोड़ दो, कुछ नहीं करना। और फिर क्या करना, आपको ना एक रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम डाल देनी, क्योंकि आपको ट्राई अगेन लेटर के नीचे रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का भी ऑप्शन आ रहा होगा, जब आपको इंस्टाग्राम खुद ही कह रहा है रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का, तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है, तो ये चीज़ कर लेना। और पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो अपनी प्रॉब्लम का, फिर सेटिंग्स में आ जाओ, फिर से आपको हेल्प पे आ जाना है, आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे आ जाना है, फिर से रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम क्लिक कर लो। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर देना, ये मैंने पेस्ट कर दिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्क्रीनशॉट को भी लगा दो, अब मैंने स्क्रीनशॉट को भी लगा दिया, आपको ना सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मैंने ये रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम डाल दी फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो देखो भाई रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम तभी वर्क करेगी जब आप रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम करके अपने अकाउंट को थोड़ा फ्री छोड़ोगे। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम करके अब 3-4 दिन तक अकाउंट को यूज़ मत करो, लॉग आउट कर दो। अब आप लॉग आउट कर दो तो आपके अकाउंट में पहले ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और आपको ना अपने अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर देना। अगर आपने अपने मेन अकाउंट का यूज़ करा है तो नहीं भी करा तब भी आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देना। वो कैसे करोगे, 3 लाइन बाकी फिर से सेटिंग्स में आ जाना, तो क्लिक करना भाई सिक्योरिटी पे, या फिर पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर देना, अभी करेंट का डालना, फिर आप उसे चेंज करके नया पासवर्ड लगा देना। उससे ये होगा कि आपने जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अपनी आईडी देके रखी है, तो वहाँ से अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर दोगे तो उनके पास आपका अकाउंट चला जाएगा, और फिर आपके अकाउंट जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आप ना और चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने अपने फेसबुक पेज को ऐड करके रखा हुआ, तो आप एक काम करो उसे हटा दो, या फिर नहीं ऐड करा तो एक बार लगा के देख लो, तो आप दोनों चीज़ ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना पहले एक बार अपने अकाउंट को
एक डेस्कटॉप साइट से लॉगिन कर देख लिया, मतलब क्रोम खोलो फिर आपको instagram.com सर्च करना, लॉगिन करना और थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लेना, फिर वहाँ पे ट्राई करना भाई, वहाँ पे क्या पता आपका सही चले। और कुछ कुछ जो कि जो प्रॉब्लम है ना भाई डेस्कटॉप साइट पे इंस्टाग्राम यूज़ करने से भी सॉल्व हो जाती है। और ये आपको यही कहूँगा मैं कि थोड़े दिन तक, कम से कम 3-4 दिन तक अकाउंट को फ्री छोड़ के देखो, फिर ना आपकी जो प्रॉब्लम ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो जितने पॉसिबल सॉल्यूशन थे वो मैंने आपको बताएं, फिर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी यूट्यूब से अगर आप कुछ पूछना जाना फिर बताना है तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, सर मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर दिख रहेगी, सो आप सब लोग को वीडियो पसंद आएगी और अगर फिर से राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए फिर देखिए सी और वीडियो में।